हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डीवा सिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर चेंज हो गया है, चैप्टर नंबर 4। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा फास्टली बनाना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को भी अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स लेकर के आज हम चल रहे हैं बच्चों, और डिटर्मिनेंट्स में बहुत ही शानदार चीजें मैं आपको लेकर के चलूंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले रहा हूं आपके लिए। क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में इंट्रोडक्शन आप लोगों को देखने की। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं, किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होगा, भाई सपोज करिए आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप उसकी कुछ चीजें आगे देखने लगे, टेक्निक्स देखें, तो जब तक आपको उसके बारे में पता ही नहीं है ये है कौन है क्या, तो कोई बेनिफिट खास मिलता नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पहले से पता होता है कि ये चीज ये, उसका इंट्रोडक्शन ये है, तो उसके बारे में और जानने का या और सीखने का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट्स का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेकर के चलेंगे बच्चों यहां पर। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमेशा प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना चाहिए। तो मैं आपको यहां पर प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा स्टूडेंट्स मैट्रिसेस को पढ़ा है, यहां भी मैट्रिसेस का ही खेल है, उससे एक नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। तो इसमें है क्या, मैट्रिसेस को हमने एक बोला था कि भाई एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस था, तो उसमें हमने कहा था कि भाई जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं हम उनको भी मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या कि टू लीनियर इक्वेशंस है, मान लो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और दूसरी a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। इन लीनियर इक्वेशंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, कि यहां जो इसके कोफिशियंट्स हैं x एंड y के जो कोफिशियंट्स हैं उनको इस मैट्रिक्स में ले लिया हमने a1 b1 और ये हो गया a2 b2 और वेरिएबल्स को x y यहां ले लिया और इसके सामने c1 c2। अब आप सोच रहे होगे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है सर कि ये ऐसे कर दिया, भाई आपने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं आपको चलो फिर भी एक बार को दिखा देता हूं कि वास्तव में ये यही है। आप जरा इसको मल्टीप्लीकेशन करिए, और मल्टीप्लीकेशन का मेथड पता है आपको कि एक रो से कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम फर्स्ट रो उठा करके कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए किस पोजीशन में आएगा a1x और दूसरा आ जाएगा प्लस b1y, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। उसके बाद सेकेंड रो को ले लीजिए a2x प्लस इसको लेंगे तो b2y और सामने कौन है c1 c2। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हम मैट्रिसेस का कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इक्वल मैट्रिसेस का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सामने सामने आते हैं। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और ऐसे ही a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। देखिए जहां मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे रिप्रेजेंट हो सकती हैं, ये वही की वही है अभी भी। हाँ, अब थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में चलते हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि लीनियर इक्वेशंस के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 कैटेगरी के सॉल्यूशंस होते थे, जिनमें एक था यूनिक सॉल्यूशन। और उस यूनिक सॉल्यूशन की बात आपको याद आ रही होगी शायद, तो मैं बता देता हूं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था स्टूडेंट्स, हम पढ़ते थे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a1 b2 नॉट इक्वल्स टू b1 a2, इधर ले आओ a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ये नंबर जो कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला है, ये नंबर जबकि जीरो नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इस यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है,
आप क्या देख रहे हैं? आप कह रहे हो सर हमारा इससे क्या मतलब है? आपका इससे बड़ा मतलब है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आपके सामने निकल के आई है, ये क्या है वास्तव में? इस मैट्रिक्स से निकली हुई एक वैल्यू है जो इसी से एसोसिएट करती है। तो अब क्या है, मैं लिख रहा हूं कि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज एन एसोसिएट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। कौन से वाला मैट्रिक्स? मैट्रिक्स दिस ए वन बी वन ए टू बी टू, ये जो मैट्रिक्स है इससे निकलने वाली एक वैल्यू है ये, तो ये इसको एसोसिएट करती है, यानी कि इसी के अंदर से गेट होने वाली वैल्यू जो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये दिखाती है कि ये वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो इट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिकनेस ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। तो यही वैल्यू क्या है, जो ये वैल्यू निकल के आई है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू को ही हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज एन एसोसिएट वैल्यू ऑफ दिस, तो विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी जो अगर हम इसको मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट कर लें तो ये इसका एसोसिएट वैल्यू का डिटर्मिनेंट है, यानी ये एसोसिएट वैल्यू इसका डिटर्मिनेंट है। विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए जिस तरह से, ये देखिए ये सिंबल, मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए। और अगर आप सिंबल लिखना ही नहीं चाहते, मतलब ए का नाम नहीं लिखना चाहते, तो ये आपके सामने एक वैल्यू सिंबल देख रहे हैं आप, इट इज ऑल्सो द डिटर्मिनेंट। इसमें आपको मैट्रिक्स का नेम रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि वो ए होगा या बी होगा, ये किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को आप सीधे सीधे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता लगा इसमें कि भाई वास्तव में ये जो वैल्यू है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आ सकती है, तो दिस इज एन एसोसिएट वैल्यू विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको डेफिनेशन लेके चलने लगे कि भाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का अगर हम डेफिनेशन है तो क्या है, तो वो देख लीजिए। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ, ये लिख देता हूं ए आई जे एन बाई एन, मतलब एन बाई एन से पता लग रहा है वो स्क्वायर है और उसका ऑर्डर एन है, हैज एन एसोसिएट एक्सप्रेशन और नंबर, और एसोसिएट नंबर या सीधा नंबर लिख सकते हो, और नंबर। अब वो नंबर कैसा हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप चैप्टर फिफ्थ क्लास इलेवेंथ में पढ़ के आए, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज हैज एन एसोसिएट एक्सप्रेशन और नंबर, नंबर कैन बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। सपोज मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं, ऐसे दिया था ए वन ए टू ए वन बी वन ए टू बी टू, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज सिंबलाइज लाइक दिस, ये सिंबल ऐसे डिटर्मिनेंट का सिंबल चेंज हो जाता है दिस वे। अगर आप इसको इस तरह से रखोगे ब्रेसेस के रूप में तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन अगर आप इसे मॉडुलस के फॉर्म में, मॉडुलस बोलते नहीं है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, लेकिन इस फॉर्म में अगर आप इसको लिख दोगे तो ये अपने आप में डिटर्मिनेंट बन जाता है। और इस रियल में सिंबल का मीनिंग क्या है कि इसको एक्सप्रेस करके एक एक्सप्रेशन या एक सिंगल नंबर के अंदर इसे कन्वर्ट कर दीजिए, इस सिंबल का मीनिंग ही यही होता है। तो इसे डिटर्मिनेंट ए कह सकते हैं, या इसको पढ़ने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह सकते हैं, या मैंने बोला था कि अगर आपको कोई नाम ए बी सी नहीं लिखना है तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो आप ये सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर
हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे पास अब ऑर्डर क्या है, अब स्क्वायर मैट्रिसेस का ऑर्डर 1 बाई 1 भी होता है, 2 बाई 2 होता है, 3 बाई 3 होता है, अप टू एन, यानी कि आगे भी चलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम है वो 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होने वाला है। देखिए उसके लिए तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, ऑर्डर वन बाई वन, यानी कि ऑर्डर वन। तो उसमें क्या होगा, तो लेट मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इट हैज लाइक दिस एलिमेंट, तो इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी ए ओनली दिस वे। इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी हो जाएगी क्योंकि मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, पहली बार आप में से ऐसे लिखेंगे और बाद में ये यही होगा, ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स। अब दूसरा हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 लिख सकते हो या सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। रूल क्या है स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उसमें सिर्फ एक नंबर से ही आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2 बाई 2 को सिर्फ 2 से, 3 बाई 3 को सिर्फ 3 से, यानी n बाई n को सिर्फ n से, उनके लिए दोनों रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं होती है। जो अलग अलग रॉ और कॉलम अपने अंदर कंसिस्ट करते हैं उन्हें आप रॉ बाई कॉलम पूरा लिखना पड़ता है। तो मैं यहां पर फिर से लेट कर लेता हूं मैट्रिक्स ए, A1, B1, A2, B2। इसका डिटर्मिनेंट जो होगा स्टूडेंट्स, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऐसा हो जाएगा A1, B1, A2 और B2। और जैसे ये सिंबल लगेगा, इस सिंबल का मीनिंग यही है कि इट हैज बीन एक्सप्रेस, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने अभी बोला था बेसिक इसका जो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये A1, B2 और ये माइनस A2 B1, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट है आपके पास x2+1, या मान लीजिए x2, 3 और x। आपसे बोले व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, या एक कहिए मान लो ये मैट्रिक्स इस तरह से दे रखा था A, और पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, दिस विल बी x2-6, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ये हो जाता है स्टूडेंट्स। तो दिस वे वी कैन एक्सप्रेस, तो पहले इसको क्या लिख सकते थे आप, इसको ऐसा करते डिटर्मिनेंट ऑफ A सिंबल लगा देते x2, 3x, और जब ये सिंबल लग गया तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हो जाता है स्टूडेंट्स x2 और क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस में आ जाता है 6। ये हमारा 2/2 को एक्सप्रेस कर सकता है। तो चलो स्टूडेंट्स इसके साथ 2/2 का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, हमारी एक्सरसाइज 4.1 में वो कवर अप हो जाएगी क्योंकि उसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ही वो कवर हो जाएगी। वो कह रहा है इवेल्युएट, और ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसको देखते समझ जाइए ये डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को देखने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो इट्स डिटर्मिनेंट, क्योंकि जब कोई नाम नहीं है तो हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो करना क्या है, कंडीशन वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई x2-x+1 x+1 माइनस फॉर्मूले से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x+1 x-1। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दिस इज x³+1, यानी a³+b³ की आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है, a³+b³, तो ये हो गया। और माइनस इसको अगर आप देखेंगे दिस इज x²-1। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, x³+1-x²+1, तो ये आ गया x³-x² एंड +2, ये इसका यानी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो एक्सप्रेशन में वो ये आ जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट है पढ़ने के लिए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर 3, यानी 3x3 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू और चेक कर लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज देयर, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। ये आपका मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट्स। तो आपको इसे एक्सप्रेस करना है डिटरमिनेंट के अंदर। हमसे पूछ ले फाइंड द डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस ये हो जाएगा कुछ ऐसे, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। मतलब पहले हमें आप इसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि सिंबल में आने का मतलब ही ये है कि यू विल हैव टू एक्सपेंड इट। अब इसको एक्सपेंड करना समझ लीजिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसको हम चाहे तो किसी रॉ वाइज या चाहे तो किसी भी कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपके सामने रॉ 1 है, ये रॉ 2 है और ये रॉ 3 है, और ऐसे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। जिधर से भी आपका मन करे, जहां से आपको लगे आप वहां से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसे एक्सपेंड करके बताता हूं स्टूडेंट्स आपको कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू किसी भी रॉ से। तो मान लो मैं इसको ले रहा हूं बाई R1, यानी रॉ 1 से एक्सपेंड करूंगा मैं इसे दिस वे। तो चलेंगे हम, सबसे पहले मैंने ले लिया एलिमेंट A1 आपके सामने आ गया। अच्छा, अभी तक अगर ऑर्डर था 2x2 तो आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन अभी कहां बचने वाला है, 2x2 तो नहीं बचा। तो करेंगे क्या इसके अंदर वो समझ लीजिए। जहां आप खड़े हैं, जैसे मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू A चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने रॉ 1 लिया, आप यहां आ गए, राइट। जिस भी नंबर को आप यहां लिखेंगे उसी नंबर के रॉ और कॉलम को डिलीट कर देंगे। जैसे सपोज करेंगे AIJ, तो कैसे गेट करेंगे, इट कैन बी टेकन आउट या इट कैन बी ड्राइव्ड बाय डिलीटिंग ith रॉ एंड jth कॉलम। आप उसी नंबर के रो को, यानी जहां भी आप खड़े होंगे उसी नंबर के रो और उसी नंबर के कॉलम को डिलीट कर देंगे। मान लो आप यहां पर खड़े हुए हैं, इसको ले रहे हैं आप A11, तो ये अगर मैं देख रहा हूं तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर भी 1 है, तो आप A11 का मतलब यानी कि रो 1 और कॉलम 1 को डिलीट कर दें। तो आपने इनको डिलीट कर दिया, तो ये लिखा नंबर, जैसे ही आपने डिलीट किया इसको ऐसे और ऐसे, देखो क्या बचा आपके पास, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बचने वाला है B2, C2, B3, C3। तो मैं इसको यही लिख रहा हूं, B2, C2 और B3, C3। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स आप चले जाइए सेकेंड नंबर के एलिमेंट पर, यानी आप रो में आ गए यहां पर मान लीजिए, तो ये माइनस में आएगा B1। अब बात आती है, आपको लग रहा होगा माइनस में कैसे आएगा, मैं पहले एक्सपेंड कर दूं उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका सिंबल नेगेटिव क्यों हुआ या इसके लिए कौन सा लॉजिक है स्टूडेंट्स। तो जब आप यहां खड़े हैं तो आप इसको मैं हटा देता हूं, आप इसमें देख रहे हैं तो रॉ तो 1 है लेकिन कॉलम नंबर 2, यानी आप रॉ 1 और कॉलम 2 को डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा, A2, C2, A3, C3, यानी बचा A2, C2, A3, C3। उसके बाद आप इस एलिमेंट पर आ जाएंगे और ये एलिमेंट स्टूडेंट्स प्लस में आएगा, दिस इज C1। और जब आप यहां आ गए तो आप क्या करेंगे, रॉ तो ये डिलीट करेंगे लेकिन कॉलम अब ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A2, B2, A3, B3। यानी यहां खड़े हैं तो रॉ तो 1 है और कॉलम नंबर है ये 3rd, तो रॉ 1 कॉलम 3 डिलीट हुआ, तो A2, B2, A3, B3 बच गया। तो A2, B2, A3, B3 क्या करेंगे आप, एक्सपेंड कर देंगे। कैसे करेंगे, अभी आपने देखा कि ये 2x2 वाला जो पुराना डिटरमिनेंट था, इससे पहले वाला 2x2 ऑर्डर का, वो आ गया और इसमें तो कोई मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया B2 C3 माइनस B3 C2, उसके बाद माइनस में आ गया B1, और यहां भी वही करेंगे हम लोग, A2 C3 और माइनस A3 C2। नेक्स्ट नंबर पे आ गया प्लस C1, यहां पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 B3 माइनस A3 B2। ये अगर आप इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, उसे आप चाहें तो रॉ वाइज ले सकते हैं, चाहे तो किसी भी कॉलम वाइज ले सकते हैं। बात आती है कि इसका जो मैंने अभी रखा था साइन क्या, कैसे पता लगा कि भाई ये पहला प्लस
ये वाला माइनस और ये वाला फिर से प्लस। इसके लिए लॉजिक समझ लीजिए बेटा, किसी भी नंबर का जो एलिमेंट होता है, तो मैं यहां लिखता हूं साइन ऑफ ए आई जे, यानी जिस भी नंबर का एलिमेंट होगा जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे वो जिस रॉ में लाई करेगा, कॉलम में लाई करेगा, उसके लिए साइन हम लोग कैसे यूज करेंगे, दैट हैपेंस टू माइनस वन पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे पर्टिकुलर नंबर ऑफ रॉ एंड पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम, यानी ए आई जे वो जिस रॉ और जिस कॉलम में लाई करता है उसके रॉ नंबर प्लस कॉलम नंबर को ऐड करेंगे। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो इवन आ गया दोनों का सम तो आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर उनका सम आया ऑड तो रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव। चलो मैं एग्जांपल के तौर पर यहां आ जाता हूं वापस। आप यहां खड़े थे स्टूडेंट्स, ये देखिए ए वन यहां लेता हूं मैं, इसके साइन की हम लोग बात करते हैं, माइनस वन पावर, फॉर्मूला क्या है आई प्लस जे। ओके, तो अब आप देखेंगे माइनस वन पावर, ये आई का मतलब है रॉ और जे का मतलब है कॉलम, तो आप किस रॉ में खड़े हैं, फर्स्ट रॉ में यानी कि वन, और किस कॉलम में है वन, तो वन प्लस वन, तो इसका माइनस वन पावर हो गया टू। और बेटा आप सबको मालूम है कि माइनस की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसीलिए इसका हमें पता लगे कि रिजल्ट में जो साइन था वो पॉजिटिव रहा। लेकिन इस सेकंड को चलते हैं, इस वाले एलिमेंट के साइन को देख लेते हैं, यानी मुझे बी वन का साइन रिप्रेजेंट देखना है, तो माइनस वन पावर, फॉर्मूला वही आई प्लस जे, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स माइनस वन पावर आई। अब आई कितना है, नंबर ऑफ रॉ कौन सा है वन, प्लस नंबर ऑफ कॉलम कितना है स्टूडेंट्स यहां पे टू। अब वन प्लस टू कितना हो गया जी, वन प्लस टू हो गया थ्री, और आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड आ जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव, तो ये आपको नेगेटिव लगा। और इसके बाद हम यहां गए थे सी वन पर, तो सी वन के सिंबल की अगर हम बात कर लें तो माइनस वन पावर, देखिए आई कितना है वन और जे कितना है इसका थर्ड, तो ये हो गया जी माइनस वन पावर फोर, और साइन कैसा, फिर कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आपको पता लग गया कि किसी भी एलिमेंट को जब हम एक्सप्रेस एक्सपेंड कर रहे हैं डिटरमिनेंट को तो उसके साइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द आइडेंटिटी टू रिप्रेजेंट द साइन स्टूडेंट्स। अच्छे स्टूडेंट्स, इस पर एक एग्जांपल और लूंगा मैं आप लोगों के लिए, थ्री बाई थ्री ऑर्डर को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो बच्चे, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स लिया, उसने कहा कि मैट्रिक्स ए इज दिस, तो फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसको हम यहां न्यूमेरिकल में ले लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 125114 माइनस टू माइनस थ्री और माइनस नाइन। पहले तो आपने उसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद वही कहानी, आप यहां खड़े हैं वन पे, तो वन के सामने आपने क्या किया, ये रॉ और ये कॉलम डिलीट किया, तो आपको मिला वन माइनस थ्री फोर माइनस नाइन। उसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे यहां आगे, तो आपको पता आप साइन माइनस हो चुका है, और जब यहां खड़े हैं तो ये रॉ और ये कॉलम डिलीट कर दिया, तो ये बचा टू माइनस थ्री और यहां से फाइव और माइनस नाइन। उसके बाद हम यहां आ गए, साइन प्लस में होता है लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस टू, और उसके बाद जब हम यहां खड़े हैं तो रॉ एंड कॉलम डिलीट, टू वन फाइव फोर वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नाइन, फॉर्मूले में माइनस आता है लेकिन माइनस ट्वेल्व आएगा तो प्लस हो जाएगा ट्वेल्व, माइनस वन इसको ले लीजिए माइनस एटीन, माइनस आता है लेकिन ये फिर से माइनस तो प्लस 15, प्लस माइनस माइनस टू हो गया, टू फोर जा एट एंड माइनस फाइव, वन के साथ यहां पे बचेगा थ्री, माइनस वन के साथ यहां बचेगा स्टूडेंट माइनस थ्री, और माइनस टू के साथ यहां पे भी बचेगा थ्री, तो ये कितना हो गया थ्री, ये हो गया आपका प्लस थ्री और ये हो गया आपका माइनस सिक्स, तो कितना हो गया ये आपका स्टूडेंट्स, आपको रिजल्ट मिला 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 0। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो गेट नहीं हो सकता, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। चलो ये अलग बात है कि वो क्या नहीं गेट होगा, बट इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आता है 0। तो आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 को इसी के बेस पे कवर कर सकते हैं। मैं फिर भी उनमें से दो क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है
वन टू थ्री आपके कवर अप हो गए, वन टू आपके कवर अप हो गए, फाइव सिक्स कवर हो गए इस कंडीशन से, फाइव और सिक्स हो गए, वैसे सिक्स क्वेश्चन ही है आपकी एनसीईआरटी की बुक से 4.1 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव बिल्कुल ऐसा ही है, फोर्थ में ले रहा और फोर्थ की तरह से बिल्कुल थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद सेवन और एट दोनों एक जैसे, उनमें से मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए ले लूंगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में, सॉरी फोर्थ में कहा है कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है आपको, ए इज गिवन टू यू दिस वे, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, तो कह रहा है सो दैट, यानी कि कह रहा है सो दैट, क्या प्रूव कराना चाहता है, डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें। अब हम क्या करेंगे, जो इसने दो सिचुएशन हमारे सामने रखी हैं, पहली कंडीशन में आप देख रहे हैं LHS जो दिखा रखा है, दैट इज डिटर्मिनेंट 3a, यानी 3 का पहले a में मल्टीप्लाई करो फिर डिटर्मिनेंट लेंगे उसका, तो मैं लेता हूं पहले 3a, तो मतलब मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई है 3 0 0 0 3 0, उधर 3 6 और 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसे एक्सपेंड करेंगे, 3 डिटर्मिनेंट 3 ये ले लो, तो ये हो गया 3 0 0 0 3 0 3 6 एंड 12, और एक्सपेंड करने के लिए आपको मालूम है आप यहां खड़े हैं 3 पर, तो इसके सामने ये और ये डिलीट कर दो और यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 36 माइनस इसमें करोगे तो 0, नेक्स्ट नंबर पे 0 आ रहा है, 0 के सामने मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि 0 से वो सब मल्टीप्लाई अपने आप 0 ही हो जाएगा, इसलिए जब 0 आएगा तो उसको छोड़ दिया करो, छोड़ दिया, फिर यहां आगे प्लस 3 दिखा हमें, यहां खड़े ये डिलीट और ये डिलीट, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और इधर करोगे तो ये भी हो गया स्टूडेंट्स 0, ये तो पहले, तो इनकी मल्टीप्लाई हो गई 108, ये आपका LHS पोर्शन रहा। अब आप ये LHS है, आप RHS को ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A पूछा है उसने पहले 1 0 0 0 1 0 1 2 4, एक्सपेंड करेंगे वही कहानी, आप यहां खड़े 1 पे डिलीट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई बचे हुए यानी कि 4 माइनस 0, उसके बाद आपका 0 आएगा छोड़ दीजिए, फिर आएगा प्लस में आगे 1, तो यहां खड़े हैं ये और ये डिलीट, फिर 0 0, तो ये हो गया यहां पे, वो तो 0 हो गया, आ गया 4, और उसने क्या कहा है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 27 इंटू 4 और इसका वैल्यू भी आ गया 108। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, LHS और इसका RHS दोनों इक्वल हैं, तो ये सो हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसके साथ क्वेश्चन थर्ड इससे 2x2 है, उसमें भी ऐसे ही पूछा है, वो इजियर आराम से होगा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम है, तो मैं उसमें से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं आप लोगों के लिए। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि इफ डिटर्मिनेंट एक्स टू 18x, और सामने इसके कंपैरिजन में है 6 2 18 एंड 6, इसमें स्टूडेंट्स बच्चे बहुत बड़ी गलती करके आते हैं, मैट्रिक्स में तो हम इन्हें कंपेयर करते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट में कभी कंपेयर नहीं होता, ये सिंबल देखते ही पहले आप इसको इवेल्युएट करिए और फिर जो इक्वेशन मिलेगा उससे फाइंड आउट करना है, करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 और इक्वल में स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई 36 और इसकी भी माइनस में 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये तो रिजल्ट आ गया 0 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर जाके 36 और एक्स का वैल्यू अंडर रूट 36, तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6, यानी एक्स को या तो प्लस 6 रखिए या माइनस 6 रखेंगे तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ये एक्स का वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 पूरी कवर अप हो जाती है, लेकिन अगर कहीं कोई आपको डाउट बचे तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो, वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने जान के पूरा देख के कैलकुलेट किया है,
बस स्टूडेंट्स, लास्ट आपसे मेरा यही फिर से कहना है कि प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करें, जो भी आपको प्रॉब्लम से आप मुझे कमेंट में पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।